हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जेवी सेवी के बहुत सारे और क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन फॉर सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड लोन अकाउंट, कितना प्रोविजन रखेंगे? तो वो है 25%। इसकी एक टेबल है जिसमें कि सब स्टैंडर्ड और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का बना हुआ है, तो वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फुल फॉर्म के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हुए हैं पुराने एग्जाम्स में, तो इस सीडीआर की फुल फॉर्म पूछ लीजिए, कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें क्या होता है कि 10 करोड़ से ऊपर की अगर लैंडिंग करी है, बैंकों ने मिल के करी है, तो वो इकट्ठे होके भी इसमें कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग में आ सकते हैं या फिर अकेले भी आ सकते हैं। तो 10 करोड़ से अब वो जितने भी होंगे तो वो सारे इस कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू आपका रिजॉल्व होगा। सेक्शन 45Y ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है? ये कहता है प्रिजर्वेशन ऑफ बैंक रिकॉर्ड्स लाइक KYC रिकॉर्ड्स वगैरह। ये होता है ना, आधार कार्ड वगैरह आप बैंक में सबमिट कर देते हैं तो उसको प्रिजर्व करके रखना है, तो कितने साल तक रखना है वो सब चीज़ किसके अंदर डिफाइन करेगी है, सेक्शन 45 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्री लोन्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है, कौन कौन से लोन एग्री लोन्स ऐसे होंगे जो कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर गिने जाएंगे? तो वो है फार्म क्रेडिट, एंसिलरी एक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे अगर मान लो आपने कुछ टीन शेड वगैरह बनाना है, वो सब चीज़ें। एंसिलरी एक्टिविटी होती है जैसे कि आपने कुछ और उसके साथ में करा, मिल्च एनिमल्स वगैरह रखते हैं, वो सारे जो है एग्री लोन्स में, एग्री और प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि नो ड्यू सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड अप टू। देखो लोन लेना है आपने तो नो ड्यू सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, तो कौन से ऐसे लोन और कितने तक ऐसे लोन है जो कि आपको कोई नो ड्यू सर्टिफिकेट बैंक को देने की जरूरत नहीं है? तो एग्री लोन्स के केस में कोई नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देने की जरूरत है। ठीक है, आजकल तो वैसे भी सिबिल वगैरह निकल जाती है तो उसमें सारा आ जाता है आपका कि कहाँ कहाँ से आपने लोन लिया हुआ है, तो फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए बैंक गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एग्री लोन्स के केस में आपने कोई नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं लेना है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट अंडर एग्री क्लिनिक्स, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी हो सकती है एग्री क्लिनिक में? 20 लाख रुपये तक, इंडिविजुअल के केस की बात है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर लोन्स अंडर ज्वाइंट वेंचर तो वो कितने हैं? 5 करोड़ तक। एग्री क्लिनिक्स की बात कर रहे हैं आप, एग्री क्लिनिक्स होता है ना, तो उसमें इंडिविजुअल में तो 20 लाख तक कर सकते हैं और अगर ज्वाइंट वेंचर कोई खोलना चाहता है तो 5 करोड़ तक है। ठीक है, सब्सिडी अंडर एग्री क्लिनिक्स, अब सब्सिडी की बात करते हैं एग्री क्लिनिक्स में, वो कितनी है? 36% प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर जनरल और 44% किसके लिए? SC ST या फिर वुमेन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अंडर एग्री क्लिनिक स्कीम रिपेमेंट आफ्टर मोराटोरियम, एग्री क्लिनिक स्कीम में जो है रिपेमेंट मोराटोरियम के बाद में कितने साल होता है? 5 से 10 साल। अंडर एग्री क्लिनिक स्कीम रिपेमेंट अंडर मोराटोरियम कितना है? 5 से 10 साल। अब फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत आते हैं पुराने, तो कोशिश करें कि उन्हें एक कॉपी में अलग से लिख लें और रोज रिवाइज करें ताकि आपका 1 मार्क्स या आधा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो जरूर हो जाए। स्विफ्ट की फुल फॉर्म पूछिए, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सरसाई की फुल फॉर्म पूछी हुई है पुराने क्वेश्चन, क्रिलिक पूछा हुआ है, सिबिल पूछा हुआ है। सिबिल तो आपको पता ही है, लोन लेने से पहले सिबिल निकालते हैं जिसमें कि आपका स्कोर आ जाता है, कितने से कितने तक होता है? 300 से 900 तक। ठीक है, क्रेलिक क्या है कि एक रिपोजिटरी है जहाँ की लार्ज क्रेडिट्स का इंफॉर्मेशन सबमिट करके रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नो कोलैटरल इन लोन्स फॉर एग्री क्लिनिक्स अप टू, कौन से ऐसे लोन है जिनमें की कोई कोलैटरल की जरूरत नहीं है एग्री क्लिनिक लोन में? तो वो है 5 लाख रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर एग्री क्लिनिक्स मार्जिन ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट, एग्री क्लिनिक्स में मार्जिन कितना है प्रोजेक्ट कॉस्ट की? तो वो है 5 लाख और अबव 25% मार्जिन। ठीक है, 5 लाख से ऊपर जो भी लोन होंगे तो उनमें 25% की मार्जिन होगी। वैलिडिटी फॉर KCC लोन, देखो कुछ क्वेश्चन कुछ जगह पे जो है इसका आंसर 5 ईयर्स दिया गया है KCC लोन के लिए, बट ये बैंक की डिस्क्रिप्शन होती है, 5 साल अगर उसने सही चलाया तो उसके बाद 3 साल और बढ़ा सकती है। तो फ्रेंड्स, जो जो बैंक अलग अलग अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग,
तो कोशिश करना कि आप अपना बैंक का सर्कुलर देख लें, उस हिसाब से ही करना अगर बैंक प्रमोशन एग्जाम में आता है तो। वैसे बैंक केसीसी लोन 5 साल की वैलिडिटी होती है और 3 साल बैंक की डिस्क्रिशन होती है बढ़ाने की, तो अगर आंसर में एड बैंक डिस्क्रिशन है तो बैंक डिस्क्रिशन टिक कर देंगे, अगर 5 साल ऑप्शन है और ये बैंक डिस्क्रिशन नहीं कहा गया तो 5 साल आंसर होगा। फुल फॉर्म्स पे आते हैं फिर से, कुछ फुल फॉर्म्स और हैं, IDBI बैंक, ICICI, नबार्ड, IDBRT। IDBRT क्या है, जो आपकी RTGS वगैरह होती है, एक और फुल फॉर्म होगी आपके लिए RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो वो IDBRT हैदराबाद ने बनाया है, तो उसके थ्रू होती है। ICAAP, ये आपका अकाउंटेंसी के पेपर में आएगा। KVIC, PMJJBY, PMSBY, इन सब की फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है, कई बार प्रीमियम ही पूछता है, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, कंफ्यूज करना चाहता है वो आपको, तो ये चीज़ें। तो